Dear students, so have a look at exercise portion of this lesson 4th why the cricket chirp written by Daniel areco So look at page number 44 G part, read these sentences, take the sentences that use the possessive adjective correctly. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में पढ़ा था तो आई होप आपको समझ में आए होंगे तो इसमें जो पोजेसिव एडजेक्टिव करेक्ट है उसको आपने टिक करना है इन सेंटेंसेस में जहाँ पर पोजेसिव ऑब्जेक्टिव को करेक्टली यूज़ किया है उसको आपने टिक करना है जहाँ पर करेक्टली यूज नहीं है उसको आपने क्रॉस करना है सो फर्स्ट वन इज वरुण लाइक्स माइन स्कूल सो यू हैव टू क्रॉस हियर यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव का करेक्टली uh, यूज नहीं किया गया है आई गोट सॉरी आई फॉर गोट माई हाउस कीज सो दिस इज करेक्ट वन वी ब्रिंग हर्स कलर पेंसिल्स फॉर आर्ट क्लास सो यू हैव टू पुट क्रॉस यन कैन वंदना हैव अ लुक एट हर पेपर सो इट इज करेक्ट वन Fifth one the girls ride their bicycles to school every day. This is right one. Sixth one. Michael stood with his hands in our pockets. So this is incorrect. So put a cross mark here. Seventh one. The dog is mine and his name is Gabby. So it is correct one. Eighth one is, we are Rudra and Diva and their favorite books is Black Beauty. So, it is incorrect one. Ninth one, three students did not do their English homework. So, it is correct. So, have a look at note portion. Be careful, do not get confused between possessive adjective and possessive. pronoun remember adjectives describe a noun where noun are used in place of nouns तो आप लोगों ने पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के केस में कंफ्यूज नहीं होना है तो चलिए इसको हम लोग एक एक एग्जांपल से देखते हैं दिस इज माई पेंसिल यहाँ पर माई का यूज है तो मीन्स ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और दिस पेंसिल इज माइन तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं ना तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है पोजेसिव एडजेक्टिव में अगर माय है तो पोजेसिव प्रोनाउन में वो माइन हो जाएगा अगर योर है तो योर्स हो जाएगा हीज तो दोनों जगह हिज ही रहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव में हर है तो पोजेसिव प्रोनाउंस में हर्स हो जाएगा और अवर का अवर्स और दियर का पोजेसिव प्रोनाउन में दियर्स या देम बन जाता है सो लुक एट पेज नंबर फोर्टी फाइव इज डिग्री ऑफ कंपेरिजन सो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं ग्रामर पोर्शन में चलिए अब हम इसको दोबारा से एक बार देखते हैं अश्र बिजटोल बनाना प्लांट इज टॉलर अ ट्री इज द टॉलेस्ट दोल टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ द श्रब एंड इज इन द पॉजिटिव डिग्री जो इसमें ऑब्जेक्टिव है टोल जो है ऑब्जेक्टिव है वो हमें एक श्रब की क्वालिटी के बारे में बता रहा है तो ये क्या है पॉजिटिव डिग्री है द एजेक्टिव टॉलर हेल्प अस टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स एंड इज इन द कम्पेरेटिव डिग्री और जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लगती है द अब्जेक्टिव टॉलेस्ट हेल्प अस टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू पीपल और थिंग्स एंड इज इन द सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों में या चीज़ों में कंपैरिज़न किया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं पॉजिटिव डिग्री में आता है एडजेक्टिव आता है सिंपल आता है और कंपैरेटिव uh, डिग्री में दो के बीच में कंपैरिज़न होता है और सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से ज़्यादा uh, चीज़ों के या लोगों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं द पॉजिटिव कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिज आर नोन एज डिग्री ऑफ कंपेरिजन तो जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं पॉजिटिव डिग्री कम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटि इसको डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहते हैं सो लुक एट एच पार्ट कम्प्लीट द टेबल विद द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें कि हम लोगों ने कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को फील करना है कंपेरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए लास्ट में ई आर का यूज होता है और सुपर सुपरलेटिव डिग्री में ई का ई एस टी का यूज होता है सो लुक एट फर्स्ट पोर्शन ओल्ड कंपेरेटिव इज ओल्डर एंड सुपरलेटिव डिग्री इज ओल्डेस्ट थिक थिकर थिकेस्ट थर्ड वन इज ब्रॉड Broader, broadest. Fourth one is young, younger, youngest. Fifth one is short, shorter, shortest. Sixth one is high, higher, highest. Seventh one is strong, stronger, and strongest. सो लुक एट लास्ट पोर्शन एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिसन लिस पट योर टीचर विल रीड आउट समल द ब्लैंक्स नीड टू बी फील्ड विद वैदर रिलेटेड वर्ड्स टू कम्प्लीट देंटेंसेस राइट द वर्ड्स यू कैन चूज फ्रॉम द बॉक्स हम लोगों ने इन फिलअप्स में वेदर रिलेटेड वर्ड्स को फिल करना है So we have to start with first first mem look temperature likhenge. second humid. third one is cold, fourth one is rainy, and then hot and last one is windy. So I hope all of you have enjoyed this story very much. Thank you for listening.